हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में एक बहुत ही ज़रूरी निबंध लेखन लिखना सिखाऊंगे। ये हायर क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट निबंध है। जनसंख्या विस्फोट, यानी जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है बहुत तेज गति से जब जनसंख्या बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसी को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो चलिए इस बारे में हम आपको निबंध लेखन लिखना सिखाएंगे। सबसे पहले आपको पॉइंट देना है प्रस्तावना। बच्चों, अगर आप पॉइंट दे के लिखते हो तो आपको मार्क्स ज़्यादा आती है, और ऐसे भी आपको एग्ज़ाम में हायर क्लास में संकेत बिंदु दे दिया जाता है और इस संकेत बिंदु के आधार पर ही लिखा जाता है। तो पहला पॉइंट आप लिखे हैं प्रस्तावना, ठीक है। तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। वैसे जनसंख्या का बढ़ना अपने आप में कोई समस्या नहीं है, परंतु तेजी से बढ़ती जनसंख्या वर्तमान में चिंता का विषय है। प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में वृद्धि से जनसंख्या एक गंभीर समस्या बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण।
जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के अनेक कारण हैं। इनमें से प्रमुख कारण हैं अशिक्षा, अज्ञानता, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के प्रति उदासीनता, बाल विवाह, गर्म जलवायु, तथा रूढ़िवादिता। हिंदू धर्म में पुत्र प्राप्ति को मोक्ष या मुक्ति में सहायक माना जाता है। इसलिए पुत्र ना होने पर संतानोक्ति का क्रम चलता रहता है। संतानोत्पत्ति का क्रम चलता रहता है। पुत्र की लालसा में अनेक पुत्रियों का जन्म हो जाता है।
भारत में अधिकांश लोगों का जीवन स्तर जीवन स्तर नीचा है। उन्नत जीवन स्तर वालों की अपेक्षा अपेक्षा निम्न जीवन स्तर के निम्न जीवन स्तर के लोगों की संतानें बहुत अधिक होती है। जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण बढ़ने के कारण अनेक समस्याएं सामने आने लगी हैं। लोगों को रहने की समस्या जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की समस्या बेरोजगारी तथा प्राकृतिक संसाधनों
का तेजी से होते दोहन के चलते पर्यावरण पर खतरे का बादल मंडराने लगे हैं अब थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण का उपाय। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाए जाने चाहिए। इसके लिए सरकार एवं लोगों में दृढ़ इच्छा शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। लोगों में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा, जिससे वे अपनी समस्याओं के प्रति
अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक हों जागरूक हों और उनका समाधान करने के लिए तुरंत चेष्टावान बन पाए। लोगों में परिवार नियोजन के प्रति फैली उदासीनता को दूर करना होगा। उन्हें इसके बारे में समुचित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। जिससे अधिक से अधिक लोग इसे अपना सके। इसके लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है।
सफलता भी मिली है। विज्ञापनों विज्ञापनों पत्रिकाओं पत्रिकाओं एवं लघु पत्रों के माध्यम से भी लोगों में फैली भ्रांतियों एवं अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को सचेत किया जाना आवश्यक है। किया जाना आवश्यक है। अब लास्ट में लिखेंगे पॉइंट उपसंहार। अतः बौद्धिक चेतना एवं संयम से ही हम इस समस्या का समाधान खोज सकते हैं। हमें लोगों में
सामाजिक, सामाजिक एवं आर्थिक समानता को स्थापित करना होगा। तभी बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या नियंत्रित हो पाएगी। तो बच्चों, अगर आपको ये निबंध लेखन अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा और एक चैनल है मुक्ता मिस संस्कृत, जिसमें मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ। प्लीज़ 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 उसमें भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।